बुक कीपिंग। सो अभी हम लोग देखेंगे कि बुक कीपिंग क्या होता है। सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड वन सिम टेक वन सिंपल एग्जांपल। तुम लोग दुकान में जाते हो, एक पेन खरीदते हो। सपोजिटली तुम लोग दो स्टूडेंट को मैंने बाजू में कर दिया, टू सेलर है। जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, तो इजी पड़ेगा। ए सेलर है, ठीक है, ए सेलर है, माउस से लिख रहा हूँ इसलिए हैंडराइटिंग बड़ा अजीब आ रहा है। बी बायर है, ठीक है। ऐसे दो पार्टीज हैं। ए ने बी को पेन दिया, बी ने ए को ₹10 दिया, ठीक है ना। नाउ बी बी के लिए दो चीज क्या है बताओ, दो बी के लिए दो चीज क्या दो है। पेन आ रहा है दो और पैसा जा रहा है, डू यू एग्री, दो दो ठीक है। सो बी के लिए पेन आ रहा है और मनी पैसा जा रहा है, ठीक है। ये पेन कम्स इन, और ए के लिए दो चीज क्या है, कैश आ रहा है और गुड्स जा रहा है। अब वो डेबिट क्रेडिट में तो आज संबंध ही नहीं, आज तो वो लूंगा ही नहीं मैं डेबिट क्रेडिट। मैं बता रहा हूँ बुक कीपिंग क्या होता है। नाउ डू यू एग्री, बी ये दो चीज रिकॉर्ड करेगा, ये दो चीज हिसाब में लेगा। ए कैश आ रहा है और गुड्स मतलब पेन जा रहा है, ये दो चीज रिकॉर्ड करेगा। तो जो ए रिकॉर्ड करेगा और बी जो रिकॉर्ड करेगा, ये फिनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ, डू यू एग्री, कि ए ने पेन दिया और बी ने पैसा दिया। फिनेंशियल ट्रांजैक्शन इसलिए कि पैसा भी क्लियर है, गुड्स जा रहा है पैसा आ रहा है, यहाँ पे गुड्स आ रहा है पैसा जा रहा है। तो दोनों पार्टीज अपने अपने बुक्स में अलग तौर पर रिकॉर्ड करेंगे। ख्याल में आ रहा है सबको, यस और नो? इस रिकॉर्डिंग को बुक कीपिंग बोलते हैं, इस रिकॉर्डिंग को हम बोलेंगे बुक कीपिंग। सो बुक कीपिंग क्या होता है, रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन। जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है दोनों पार्टी के बीच में, एक बायर है एक सेलर है, दोनों पार्टी रिकॉर्ड करेंगे, इस रिकॉर्डिंग को बुक कीपिंग बोलते हैं। रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कौन से दो बुक्स में रिकॉर्ड होगा, जर्नल और लेजर। सिर्फ दो बुक्स ऑफ अकाउंट है, देर इज नो थर्ड बुक, ओनली जर्नल एंड लेजर। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ सबसे पहले तुम्हारे सामने आ रहा है बुक कीपिंग क्या है, इज एन आर्ट, कला है। कला क्योंकि उसमें कायदे हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ऑफ रिकॉर्डिंग क्या, फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस। सो बुक कीपिंग क्या है, एक कला है रिकॉर्डिंग करने की। क्या रिकॉर्डिंग करना है, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन एज दे ओकर। एज दे ओकर मतलब लाइन वाइज। अभी आज तारीख क्या है, 29th, फिर कल 30th, फिर 31st। सो लाइन बाय लाइन रिकॉर्ड करेंगे तुम लोग। टेक्निकल भाषा में उसको क्या बोलते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है, इन अ सिस्टमेटिक मैनर। सो बुक कीपिंग क्या होता है, जो भी फिनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है, कुछ खरीदी और कुछ बिक्री, इसका जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो इस रिकॉर्डिंग को क्या बोलेंगे, फिनेंशियल ट्रांजेक्शन। नाउ आर्ट क्यों है या कला क्यों बोलते हैं, क्योंकि आर्ट कला का वो पार्ट है जिससे हमको अपना ऑब्जेक्टिव्स पता चले। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एक शब्द का आंसर, बढ़िया बोला, उसको एक इंग्लिश में रूपांतर करो। सर मनी अर्निंग, प्रॉफिट, प्रॉफिट। मनी अर्निंग को मैंने कन्वर्ट कर दिया प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे पता चलेगा, जब तुम रिकॉर्ड करोगे। सो रिकॉर्ड करने के बाद फाइनल अकाउंट्स बाद में आएगा, पहले क्या करेंगे, रिकॉर्ड।
क्या? फिनेंशियल ट्रांजेक्शंस। कैसे पता चलता है ट्रांजेक्शन है? क्योंकि दो पार्टीज है, दोनों पार्टीज को वैल्यू मिला है, दोनों पार्टीज ने सैक्रिफाइस किया है और पैसा दिख रहा है 10 रुपया, तो ये रिकॉर्ड होगा। इस रिकॉर्डिंग को बुक कीपिंग बोलेंगे। एज दे ओकर क्रोनोलॉजिकली मैंने बोल दिया, लाइन बाय लाइन, डेट बाय डेट रिकॉर्ड होगा। उसके बाद सिस्टमेटिक मैनर क्यों बोलते हैं? क्योंकि तुमको अकाउंटिंग कंसेप्ट्स देखना पड़ेगा, कन्वेंशन देखना पड़ेगा, एक्सपर्ट एडवाइजरी, सीए के ओपिनियंस देखना पड़ेगा, ठीक है ना। बहुत सारे चीजें हैं जिसमें तुम मतलब कायदे कानून देखोगे। सबसे पहला कायदा तो ये बोलता है कि क्या हिसाब फिनेंस रुपीज में मेजर होता है तो रिकॉर्ड होगा, नहीं तो रिकॉर्ड नहीं होगा। अगेन जब तुम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करोगे तो उसमें दो मेथड्स हैं, स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो तुमको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जो आईसीए, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये सब देखना पड़ेगा। अब मैं तुमको एग्जाम्पल देता हूँ कि सपोजिटली तुमको पिताजी ने एक घर दिया, ठीक है, तो तुम रिकॉर्ड कैसे करोगे? एक घर बोला कि बेटा ले, ये घर आज से तेरा, ठीक है। तुम बोले होते पापा गार भी दे दो ना साथ में तो तुम अपने बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करोगे? तुम्हारे बुक्स में हाउस की वैल्यू कितनी होगी? जीरो, क्योंकि फोकट का मिला है, इनहेरिटेंस हुआ ना वो। तो कायदे कानून है, 50 लाख का भले ही घर हो, तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट में उसका रिकॉर्डिंग जीरो के तौर पर होगा। आया समझ में? तो ये सब इंस्टीट्यूट ओपिनियन, सीए का ओपिनियन, याद है हम कॉस्ट और मार्केट प्राइस फाइनल अकाउंट्स में विच एवर इज लेस लेते हैं। जो क्लोजिंग स्टॉक है, यदि एक 50,000 है और एक 48,000 है, तो दोनों में से कौन सा वैल्यू लेते हैं? कम वाला। क्योंकि एक कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस बोलता है कि जहां पे कम कॉस्ट है वो लो, क्योंकि अभी तुमने ज्यादा कॉस्ट पकड़ा और बाद में कम हो गया तो घाटा हो जाएगा। तो इसलिए तुमको रिकॉर्ड करते समय अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, कन्वेंशंस, कायदे, ये सब हम बताएंगे धीरे धीरे, ठीक है ना। इसका हालांकि इतना रोल नहीं है, पर तुमको सब कायदे कानून समझ के रिकॉर्ड करना हो। सो बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। अब तुमको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा कि जहां पे बुक कीपिंग खत्म होता है वहां पे अकाउंटिंग शुरू होता है। बुक कीपिंग से प्रॉफिट और लॉस कभी पता नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि बुक कीपिंग सिर्फ रिकॉर्ड करता है। फॉर एग्जाम्पल तुम स्कूल या कॉलेज में जाते हो, लेक्चर अटेंड करते हो, लेक्चर अटेंड करने से तुम्हारे मार्क्स पता नहीं चलता। सो रिकॉर्डिंग, तुम्हारा जो अटेंडेंस रिकॉर्ड होता है वो क्या है? बुक कीपिंग। लेकिन जो तुम्हारा मार्कशीट है, पूरे साल के बाद परीक्षा देने के बाद जो आता है वो मार्कशीट तुम्हारा रिजल्ट है। सो उसी प्रकार से तुम्हारा अटेंडेंस से तुम्हारे मार्क्स नहीं पता चलते, तुम जो परीक्षा देने के बाद जो तुम्हारा रिजल्ट आता है वो अकाउंट है। समझ में आ रहा है? सो जो अकाउंटिंग में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, फाइनल अकाउंट जो बनता है, तो बुक कीपिंग में सिर्फ जर्नल और लेजर आता है। जर्नल लेजर के बाद वाले जो सारे स्टेप्स है, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स, वो किसका भाग है? अकाउंटिंग। सो डू यू एग्री कि अकाउंटिंग का मतलब, इसमें एक और एग्जांपल दूंगा। तुमको लाइसेंस निकालना है गाड़ी का, पहले परमानेंट मिलेगा क्या? पहले लर्निंग, पहले लर्निंग मिलेगा। लेकिन लर्निंग डज नॉट मीन कि वो परमानेंट है। तुमको परमानेंट के लिए वो याद है ना, आरटीओ में जाकर 8 करके एक आंकड़ा में गोल ढूंढना पड़ता है, ठीक है ना। सो डू यू एग्री, लर्निंग लाइसेंस बुक कीपिंग है और परमानेंट लाइसेंस अकाउंटिंग है। जब मैं बोलूंगा परमानेंट लाइसेंस, उसमें ऑटोमेटिक लर्निंग लाइसेंस आ जाएगा, तो जब मैं अकाउंटिंग बोलूंगा तो उसके अंदर बुक कीपिंग आ जाएगा। सो अकाउंटिंग का रिकॉर्डिंग वाला हिस्सा को बुक कीपिंग बोलते हैं, और फाइनल अकाउंट्स जो जिससे नफा नुकसान और लायबिलिटी एसेट पता चलता है उसको अकाउंटिंग बोलते हैं। फर्क समझ में आ रहा है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में? सो बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। अब मैं तुमको डेफिनेशन, अच्छा, जे आर बाटली बॉय, ये कौन था? इंडिया का सबसे पहला चार्टर्ड अकाउंटेंट, जे आर बाटली बॉय, ठीक है। सिंपल सा है, बुक कीपिंग क्या है? रिकॉर्डिंग क्या? बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ सेट ऑफ बुक्स। कौन से सेट ऑफ बुक्स है? जर्नल और लेजर। जर्नल में भी बेटा सिर्फ 3 बुक्स है, चौथा बुक नहीं हो सकता। पहले तुम्हारा कैश बुक, सब्सिडरी बुक और जर्नल प्रॉपर। जर्नल में भी 3 ही प्रकार है, चौथा प्रकार नहीं है, वो मैं बताऊंगा बाद में। अभी ये नॉर्थ कॉट का डेफिनेशन है कि बुक कीपिंग एक कला है रिकॉर्डिंग। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट? जर्नल और लेजर। मॉनेटरी मतलब जिसको हिसाब में रख सकते हैं, क्या? कमर्शियल या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। समझ में आ रहा है? सो इन इन सिंपल सी भाषा बुक कीपिंग क्या है? नंबर 1 एक कला है,
कि किस चीज की कला है रिकॉर्ड करने की, क्या रिकॉर्ड करना है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन किस रूप में, इंडिया में रुपीज के रूप में, कौन से बुक्स में, दो बुक्स में, जर्नल और लेजर। लेजर में रिकॉर्ड होने के बाद बुक कीपिंग का काम खत्म हो जाता है, किसका काम शुरू होता है, अकाउंटिंग का। समझ में आया? अब मैं तुमको एक्टिविटीज, चार एक्टिविटीज बताऊंगा, ठीक है ना, चार ट्रांजेक्शंस लूंगा, तुम मुझे बताओगे कि बुक कीपिंग में रिकॉर्ड करना है कि नहीं, ठीक है। पहला, परचेज ऑफ मटेरियल, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए लिख देता हूं, तुम मुझे बताओगे। सपोजली पहला, परचेज ऑफ मटेरियल, नहीं सॉरी, मैं थोड़ा नीचे लिखूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इधर पहला परचेज ऑफ मटेरियल, ये पहला ट्रांजेक्शन है, जब तुम इसको इवेंट बोलो तो भी चलेगा, परचेज ऑफ मटेरियल, ठीक है। दूसरा, कंडक्ट ऑफ मीटिंग, कंडक्ट, माउस में लिख रहा हूं इसलिए 100, कंडक्ट ऑफ मीटिंग, ठीक है। फिर तीसरा, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, ये तीसरा है। और चौथा, पेमेंट ऑफ सैलरी, ठीक है। अब मैं तुमसे पूछूंगा पेमेंट ऑफ सैलरी, इसमें से कौन सा ट्रांजैक्शन तुमको दिखता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। लेट अस रीड द फर्स्ट वन, क्या लगता है सबको, ऑनलाइन वाले भी जवाब दे सकते हैं इसमें। परचेज ऑफ मटेरियल क्या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है कि नहीं, कैसे पता चलता है, दो पार्टीज हैं और रकम मटेरियल खरीदा है तो आ जाएगा, वो तो पक्की बात है। सो पहला, आई एग्री, चलो परचेज ऑफ मटेरियल है। दूसरा, कंडक्ट ऑफ मीटिंग, वो तो सिर्फ डिस्कशन हो रहा है तो ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, तुमने डायरेक्टर को अपॉइंट किया, अगेन नो। पेमेंट ऑफ सैलरी, यस। ऑनलाइन समझ में आ रहा है सबको, ऑनलाइन सबको समझ में आ रहा है। यस सर। सो ये मैंने चार ट्रांजैक्शंस दिए, ठीक है। सो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड कि जब तुम बुक कीपिंग में रिकॉर्डिंग करना चाहोगे तो तुम, अच्छा राज ने हाथ ऊपर किया, बोल राज क्या क्वेश्चन है, राज ने हाथ ऊपर किया, कोई क्वेश्चन है। ओके, नंबर वन, पहले तो तुम आइडेंटिफाई करोगे, क्या आइडेंटिफाई करोगे कि ये ट्रांजैक्शन फिनेंशियल है क्या नॉन फाइनेंशियल है। तुमने कैसे आइडेंटिफाई किया, पहला और चौथा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, बाकी सेकंड और थर्ड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है क्योंकि उसमें पैसा नहीं दिखता। डू यू एग्री, ये सब नो। अच्छा, तुमने बुक कीपिंग में चार स्टेप्स में होता है, पहला स्टेप में तुम क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे, क्या आइडेंटिफाई करोगे कि ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है या नॉन फाइनेंशियल। दूसरा, मेजर ओनली द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, मेजर टू मॉनेटरी वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड। डू यू एग्री, पहला और चौथा मेजरेबल है, तुमने आइडेंटिफाई किया, इनफैक्ट तुमने ऐसा सोचो चारों फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई किया, लेकिन जब मेजर किया तो पता चला पहला और चौथा है। फिर तीसरा, तुम रिकॉर्ड करोगे किसमें, जर्नल में, बुक कीपिंग में सबसे पहले कौन से बुक में जाएगा, जर्नल में, और आखिर में कौन से बुक में जाएगा, क्लासिफाई मतलब लेजर में। समझ में आया सबको, तो अभी मैं इसको रिमूव कर देता हूं। हाँ अभी देखो, पहला आइडेंटिफाई कौन सा था, आइडेंटिफाई परचेज और पेमेंट ऑफ सैलरी था। दूसरा, क्या मेजर कर सकते थे, यस मेजर भी कर लिया। अब रिकॉर्ड करोगे,
पहले जर्नल में और फिर लेजर में। जर्नल सिर्फ तीन प्रकार के होंगे, कौन कौन से? जर्नल प्रॉपर, कैश बुक और सब्सिडरी बुक्स, देर इज नो फोर्थ जर्नल। और लास्ट में कहाँ जाएगा? लेजर में। उसको क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन। सो देखा जाए तो बुक कीपिंग का काम रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग है, उसके अलावा बुक कीपिंग का कोई भी काम नहीं है। अच्छा, इसको याद भी रखना है, एक्टिविटीज कवर्ड अंडर बुक कीपिंग। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ रुपर लेसेस। आई मतलब आइडेंटिफाई, एम मतलब मेजर, आर मतलब रिकॉर्ड, सी मतलब क्लासिफाई। मतलब तुम याद रख सकते हो एग्जाम में, ठीक है? सो ये तुम्हारा मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग था, लेकिन हम फीचर्स भी डायरेक्टली लेना चाहेंगे। बहुत इजी है, अपने क्लास के नोट्स में ये बाकायदा दिया है। अभी फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग में क्या है? इट इज अ मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग। व्हाट डू यू रिकॉर्ड? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन विच बुक्स, जर्नल एंड लेजर। दूसरा, वो फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग क्या है? एक तरीका है रिकॉर्ड करने का। कौन सा? बिजनेस ट्रांजेक्शन या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। दूसरा, ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। क्यों? नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन सब्जेक्ट मैटर ऑफ अकाउंटिंग ही नहीं है। हाँ, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में कैश भी हो सकता है, नॉन कैश भी। एग्जाम्पल, तुमने पेन खरीदा, पैसा दिया, ये कैश फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। तुमने उधारी में खरीदा, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, बट रकम पता है तो रिकॉर्ड होगा। याद है ना, डेटर्स, उधारी में। आप डेटर क्या है, हम जब बेसिक कंसेप्ट लेंगे तब बताएंगे। तीसरा, ऑल रिकॉर्ड्स आर प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। इंडिया में स्पेसिफिक पीरियड क्या है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये एक साल स्पेसिफिक पीरियड है इंडिया के लिए। अभी जब मैं कंसेप्ट लूंगा उसमें बताऊंगा 1 अप्रैल टू 31 मार्च क्यों आया, कैसे आया और क्या बदल सकता है, वो पूरा डिटेल चर्चा करूंगा जब मैं फाइनेंशियल ईयर के बारे में चर्चा करूं। उसके बाद, रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजेक्शन आर बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको आइडिया होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, वो सब, ठीक है ना? डेबिट एक्सपेंसेस, लॉसेस, क्रेडिट इनकम, इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके हिसाब से। और एक कला है जिसके तौर पर तुम साइंटिफिकली रिकॉर्ड करो। इजी लग रहा है ये? फीचर्स, ये एग्जाम में 4 मार्क का आ सकता है फीचर्स एज अ शॉर्ट नोट, ठीक है? अब इसमें मैंने सिंपल सा एक स्टोरी लिया है, ये 5 पॉइंट्स लर्न करने का। कुछ जगह पे मैं शॉर्टकट टेक्निक्स यूज करूंगा जिससे तुम्हारा लर्निंग फास्ट हो जाएगा। पहला पार्ट, रिकॉर्डिंग। टीचर क्लास में आई और सबका अटेंडेंस का रिकॉर्डिंग शुरू किया। सो पहला पॉइंट क्या है? टीचर क्लास में आई और अटेंडेंस का रिकॉर्डिंग शुरू किया। पप्पा ने कहा प्लेजर गाड़ी, अरे तो अलग हो गया, अभी हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं। सो टीचर क्लास में आई और स्टूडेंट से कहा कि लेक्चर का रिकॉर्डिंग करो। स्टूडेंट्स निकलते बदमाश, वो लोग क्या बोलते हैं? स्टूडेंट्स ने कहा 100 रुपए का फाइनेंस दोगी तो ही रिकॉर्ड करेंगे। टीचर ने बोला रिजल्ट का जब पीरियड आएगा तब इंटरेस्ट के साथ वसूलूंगी। स्टूडेंट्स ने कहा ये रूल्स के खिलाफ है। टीचर ने कहा साइंस के मार्क्स में अच्छे मार्क्स चाहिए तो आप तुम दो 200 रुपए दो। कनेक्ट होगा? एक टीचर क्लासरूम में आती है और स्टूडेंट्स को बोलती है रिकॉर्डिंग लेक्चर का शुरू करो। स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं? 100 रुपए का फाइनेंस दो। टीचर बोलती है रिजल्ट्स का पीरियड आने दो तब दिखाती हूँ तुमको। तो स्टूडेंट बोलते तो हमको धमकी दे रही हो, ये तो रूल्स के खिलाफ है। तो टीचर बोलती है साइंस में अच्छे मार्क्स चाहिए ना, अब तुम मुझे 200 रुपए दो। तो ऐसे तुम याद रख सकते हो इसको, ठीक है? तो ये बुक कीपिंग का मीनिंग था, फीचर था, और फीचर्स का लर्निंग का स्टोरी था जो हमने साथ में लिया। ओके।